हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये स्वास्तिक वाली ड्रेस बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसको बनाना बताया है। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर तैयार कर ली है और चोली के लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 24 यानी कि 24 डबल क्रोसिया है। आप छोटे बड़े साइज में कहीं से भी आप ड्रेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर साइड में हम आर्म होल के नीचे से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 चैन लेने के बाद यहीं पर डबल क्रोसिया बनाएंगे, तो हमारे ये सेम प्लेस पर 2 डबल क्रोसिया हो गई। नेक्स्ट में गए, इस तरह से 1 डबल क्रोसिया बनाया और सेम प्लेस पर 1 और डबल क्रोसिया, 2 डबल क्रोसिया हो गए। उससे नेक्स्ट में भी फर्स्ट रो में हमें हर एक में 2-2 बार डबल क्रोसिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए, 24 के ऊपर हमारे ये टोटल 48 यानी कि 48 डबल क्रोसिया काउंट होंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और हर एक में हमने 2-2 बार डबल क्रोसिया बना लिया है। अब देखिए, थर्ड चैन में जाकर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए, फिर से 1, 2, 3 चैन लेंगे और यहीं पर एक बार और डबल क्रोसिया बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पर एक जगह पर ये 2 डबल क्रोसिया हो गए और नेक्स्ट के ऊपर हम 1 डबल क्रोसिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में 2 बार, बना लिया, फिर नेक्स्ट में 1 बार, एक में 1 बार और एक में 2 बार डबल क्रोसिया बनाते हुए हम सेकंड राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक बार बनाया था, फिर यहाँ पर 2 बार। देखिए, इस तरह से हम सेकंड रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड रो भी बनकर कंप्लीट हो गया है और थर्ड चैन में जाकर मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब देखिए, 1, 2, 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम एक बार डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, नेक्स्ट में हम एक बार डबल क्रोसिया और उससे नेक्स्ट में भी एक बार, 2 में हम एक बार और थर्ड में 2 बार सेम प्लेस पर बनाएंगे। अब एक बार बनाया और यहीं पर एक बार और बनाएंगे। जैसे जैसे हमारा घेरा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम इस तरह से स्टिच को बढ़ाते जाएंगे। एक बनाया, नेक्स्ट में भी एक बनाएंगे और थर्ड में 2 बार। इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, थर्ड रो को। देखिए, इस तरह से 2 में 1-1 बार और थर्ड में 2 बार सेम प्लेस पर। इसी तरह से बनाते हुए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये राउंड भी बनकर कंप्लीट हो गया है और हम लास्ट में आ गए हैं। थर्ड चैन में जाकर हम यहाँ से अपना पिंक कलर का धागा ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए, धागे को थोड़ा सा लंबा लेंगे और दोनों में से निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और देखिए, इस धागे को भी हम टाइट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम 1, 2, 3 चैन हमारी एक डबल क्रोसिया की हाइट की हो गई और नेक्स्ट में जाएंगे हम डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोसिया हो गए और देखिए, जब 2 स्टिच रह जाएं तो हम कंप्लीट इसको वाइट कलर के धागे से करेंगे इस तरह से। और इस धागे को भी हमें साथ में लेकर चलना है। अब नेक्स्ट में जाएंगे इस तरह से, 1 डबल क्रोसिया बनाया और उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोसिया वाइट और कंप्लीट इसको ग्रीन इससे करेंगे, पिंक से इस तरह से। अब देखिए, इस वाइट कलर के धागे को भी हम साथ में रखेंगे, इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे इस तरह से। देखिए, 1 डबल क्रोसिया बनाया, उससे नेक्स्ट में गए
फिर से एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर से बनाएंगे और वाइट कलर के धागे को हम साथ में लेकर चलते हुए जाएंगे। तीन डबल क्रोशिया नेक्स्ट में बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया उससे नेक्स्ट में बनाएंगे, पांच डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में बनाया छह डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए कंप्लीट हमें इसको छठा डबल क्रोशिया है कंप्लीट, हम दो लूप रह जाएं तो कंप्लीट हम वाइट से करेंगे। इस तरह से ये हमारा वाइट कलर का धागा यहाँ से जॉइंट हो जाता है। फिर से धागा लेंगे और पिंक कलर के धागे को साथ में लेकर चलेंगे। अब एक वाइट बना दिया, फिर से दूसरा वाइट बनाएंगे इस तरह से। ये कंप्लीट नहीं करना, कंप्लीट हम पिंक कलर के धागे से करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर दो हम पिंक से बनाएंगे और कंप्लीट उसको वाइट से करेंगे इस तरह से। जब दो स्टिच रह जाए तो कंप्लीट हम वाइट कलर के धागे से करेंगे इस तरह से। अब दो वाइट बनाएंगे, एक बार बना लिया और फिर से सेकंड बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच के अंदर। इसको कंप्लीट हम फिर पिंक कलर के धागे से करेंगे। अब पिंक कलर के हमें छह डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से, थोड़ा सा मैं बता दूं फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कैसे बनाना है। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, फिर से बनाया छह डबल क्रोशिया और इसको कंप्लीट हम वाइट से करेंगे इस तरह से। अब दो वाइट हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से एक वाइट बना लिया और फिर से वाइट बनाएंगे। अब इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम पिंक कलर के धागे से करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में गए, एक पिंक बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में पिंक बनाया, इसको कंप्लीट हम वाइट से करेंगे। अब देखिए फिर से हम वाइट बनाएंगे, एक वाइट बनाया और दूसरे वाइट को कंप्लीट हम पिंक से करेंगे। अब छह बार हम पिंक बनाएंगे, देखिए इस तरह से बनाना है हमें। पहले हमने ये पिंक बनाया, फिर वाइट, फिर छह हमने पिंक बनाए, फिर दो वाइट, दो वाइट, फिर दो पिंक, दो वाइट, उसके बाद छह हमने पिंक बनाए इस तरह से। फिर से हमने दो वाइट, दो पिंक, दो फिर से वाइट और इबा छः हम ये पिंक बनाएंगे। इसी तरह से रिपीट करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं और हमारे पास ये इतना रह गया है, तो हमें यहाँ पर हिसाब लगाना होगा। काउंट करेंगे हम कि हमारे यहाँ पर पूरे कंप्लीट आएंगे या नहीं। अगर एक दो डबल क्रोशिया आपको बढ़ाना पड़े या घटाना पड़े तो आप यहाँ पर घटा सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर सिक्स पिंक आए हैं, उसके बाद दो हमारे यहाँ पर वाइट आ गए, उसके बाद दो देखिए यहाँ पर पिंक आएंगे, एक दो, दो पिंक के बाद एक दो, दो वाइट आएंगे, फिर उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः, छः हमारे पास यहाँ पर पिंक आएंगे। छः पिंक आने के बाद यहाँ पर एक और दो, यानी कि एक डबल क्रोशिया हमें बढ़ाना पड़ेगा, वो हम यहीं पर बढ़ा लेंगे। अगर आपको कम एक दो ज़्यादा और बढ़ाना पड़े तो आप यहीं पर एडजस्ट कर सकते हैं लास्ट में, कहीं भी आप जब आपके पास थोड़ा सा बनाने के लिए रह जाए तो आप हिसाब लगा कर देख सकते हैं, तो हमारा ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये ज़्यादातर कंप्लीट ही आएगा पूरा अच्छे से। अब देखिए जब दो रह जाएं तो हम यहाँ पर
अपना पिंक कलर अटैच कर लेंगे। अब दो हम यहाँ पर पिंक से बनाएंगे, इस तरह से एक बनाया, अब दूसरा बनाएंगे, कंप्लीट उसको वाइट से करेंगे इस तरह से। अब वाइट से दो बनाएंगे, एक बनाया और फिर से दूसरा बनाया और कंप्लीट पिंक से करेंगे। दोनों धागों को हमें साथ में लेकर चलना है, ये ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि हमारा वर्क दोनों धागों से एक साथ चल रहा है। दो, फिर से बनाया तीन, फिर से बनाएंगे चार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाया पांच डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में बनाया छह डबल क्रोशिया, कंप्लीट इसको वाइट से करेंगे। अब इस तरह से, अब देखिए दो हमें यहाँ पर वाइट बनाने हैं, एक और, देखिए नेक्स्ट में हमारा ये पिंक कलर का है तो हम एक और यहीं पर बना लेते हैं। इस तरह से दो हो जाएंगे और कंप्लीट इसको फिर से हम पिंक से करेंगे। देखिए अब देखिए हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से सेट आया है। अगर आपको बढ़ाना भी पड़े तो आप थोड़ा सा रह जाए तो वहाँ से आप इनको एक में, यहाँ पर अगर पांच एक में दो बना सकते हैं, इस तरह से आप इनको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हम पिंक के ऊपर पिंक बनाएंगे, इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, कंप्लीट इसको फिर से हम वाइट से करेंगे। इस तरह से देखिए, अब नेक्स्ट वाइट से बनाएंगे, एक दूसरे को भी वाइट बनाएंगे, देखिए दूसरे को कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट हम पिंक से करेंगे इस तरह से। पिंक से कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ देखिए पिंक बनाएंगे, फर्स्ट के ऊपर पिंक बनाया, एक पिंक बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाया दो, इसको कंप्लीट हम फिर वाइट से करेंगे। दो हमें यहाँ पर पिंक बनाने हैं इस तरह से। अब देखिए सिक्स हैं हमारे पास, तो दो के ऊपर हमने पिंक बना दिया, अब थर्ड के ऊपर बनाएंगे, एक वाइट बनाया, फोर्थ के ऊपर, फिफ्थ के ऊपर बनाया और ये सिक्स के ऊपर, इस तरह से। अब देखिए जैसे जैसे हमारा घेरा बढ़ेगा तो हमें इंक्रीज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घेरे में सिकुड़ ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक, देखे जो हमारा ये सिक्स वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर एक बार और बनाएंगे, यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा इस तरह से। यहाँ पर हमने दो बार बना लिया, अब नेक्स्ट के ऊपर हम फिर से वाइट बनाएंगे इसके ऊपर, और उससे नेक्स्ट दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी वाइट बनाएंगे और कंप्लीट इसको फिर से हम पिंक से करेंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से हम दो पिंक बनाएंगे, इस धागे को हम साथ में लेकर चलना है। देखिए एक पिंक बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर पिंक बनाएंगे और इसको कंप्लीट हम वाइट से करेंगे अब इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर वाइट बनाएंगे,
एक बनाया और दूसरा बनाया, तो कंप्लीट इसको फिर से हम पिंक से करेंगे। फिर नेक्स्ट फर्स्ट के ऊपर हमने पिंक बनाया और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर हमने पिंक बनाया। अब देखिए कंप्लीट हम इसको वाइट करेंगे। अब यहाँ पर हम वाइट बनाएंगे चार, छह हैं हमारे पास टोटल ये यहाँ पर पिंक, तो हम चार देखिए इस तरह से बनाएंगे। एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया और जो फोर्थ वाला है उसके अंदर हम दो बार बनाएंगे। जहाँ पर भी आएगा फोर्थ के अंदर दो बार बना लेंगे। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा इस राउंड में, नहीं तो हमारे घेरे में झोल पड़ता पड़ जाएगा अगर हम यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे। इस तरह से दो बना लिए, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक बनाएंगे और कहीं भी कोई भी चेंज नहीं करना। देखिए कंप्लीट इसको फिर से हम पिंक से करेंगे। देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा इसी तरह से। पिंक के ऊपर हमें दो बनाने हैं यहाँ पर और फोर हमें वाइट बनाने हैं, और जो वाइट है वाइट के ऊपर वाइट, फिर पिंक के ऊपर पिंक, वाइट के ऊपर वाइट। बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है इस राउंड में, और इसी तरह से बनाते हुए मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और यहाँ से देखिए हम इसको जॉइंट करेंगे पिंक कलर के धागे से। यहाँ पर एक बार हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को हम टाइट करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चैन हमने एक डबल क्रोशिया की हाइट की। अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम डबल क्रोशिया बुनेंगे पिंक कलर के सारे। दो दो ये वाइट, दो फिर पिंक, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, तो यहाँ पर दस डबल क्रोशिया हम पिंक कलर से बना लेते हैं। दो नेक्स्ट के ऊपर बनाया, तीन, चार, फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर पाँच, छः, और इस धागे को हम साथ में रखेंगे। सात, आठ, नौ और नेक्स्ट के ऊपर बनाया दस, और एक जो हमने यहाँ पर बढ़ाया था एक उसके ऊपर। देखिए इसके सीध हमें बनाना है। अब देखिए कंप्लीट हम इसको वाइट से करेंगे। देखिए यहाँ पर वाइट बनाया, वाइट कलर को धागा जॉइंट किया और वाइट के ऊपर एक वाइट बनाया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, एक के ऊपर दो बनाएंगे। अब इस तरह से दो बार बना लिया। अब कंप्लीट इसको फिर से हम पिंक कलर से करेंगे इस तरह से। अब फिर से पिंक के ऊपर आ गए हम, एक डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट के ऊपर। अब देखिए हमें यहाँ तक पिंक ही बनाने हैं, उससे नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से देखिए बनता चला जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर भी हम पिंक बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर, एक पिंक बनाएंगे। अब देखिए एक में हमने दो बनाए थे, तो दो हमें यहाँ पर बनाने हैं। इसकी सीध हमें यहाँ पर लेना है, नेक्स्ट के ऊपर बनाया और धागे को साथ में लेकर चलना है दूसरे को भी हमें।
अब देखिए ये लास्ट है, इस तरह से इसके ऊपर भी बना लेंगे और कंप्लीट इसको वाइट से करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम वाइट के ऊपर वाइट बनाएंगे, एक वाइट बनाया और जो दूसरे वाला वाइट है उसके ऊपर हम दो बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा, देखिए एक हमने यहाँ पर इंक्रीज किया था और एक यहाँ पर, दो के ऊपर हमने तीन बार बना लिए और यहाँ पर बीच में हमने पिंक बनाए हैं। इसी तरह से यहाँ तक हम पिंक बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, दो के ऊपर तीन बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और देखिए हमारा ये स्वास्तिक हाफ बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक दो डबल क्रोशिया यहाँ से वाइट पिंक कलर के ले जाने हैं और दो हम यहाँ से ले जाएंगे और बीच में हमारे वाइट बनेंगे। अभी मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से निकाल लिया। इस धागे को हम टाइट कर देंगे, साथ में रखेंगे इस धागे को। अब देखिए एक सॉरी, यहाँ से हम अपना वाइट कलर का धागा ही रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा ये वाइट कलर का धागा अटैच होगा। इस तरह से देखिए थर्ड चैन में जाएंगे और जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। नेक्स्ट में कई डबल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और पिंक कलर के धागे को साथ में लेकर चलेंगे, उससे नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया। चार डबल क्रोशिया हो गए कंप्लीट, हम इसको पिंक कलर के धागे से करेंगे। चार बनाने के बाद देखिए यहाँ पर दो डबल क्रोशिया हम यहाँ पर पिंक कलर से बनाएंगे, एक उससे नेक्स्ट बनाया दो, दो बनाने के बाद इसको कंप्लीट हम यहाँ पर वाइट से करेंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट में वाइट बनाया इस तरह से और उससे नेक्स्ट में वाइट, दो हम यहाँ पर वाइट बनाएंगे और कंप्लीट इसको हम पिंक कलर के धागे से करेंगे इस तरह से। एक पिंक बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में पिंक बनाया, दो दो पिंक बनाए इस तरह से। देखिए दो पिंक बनाने के बाद दो वाइट, फिर दो पिंक और कंप्लीट इसको फिर से हम वाइट से करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। अब वाइट बनाएंगे, एक बनाया दो उससे नेक्स्ट में। अगर आपको लगता है कि आपके खिंचाव आ रहा है तो आप यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हैं, पर मैं अब राउंड में इसमें कोई डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाऊँगी। अब देखिए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। तो हमने बीच में यहाँ पर दो चार छः आठ, आठ डबल क्रोशिया हमने वाइट से बना दिया। अब देखे एट हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट इसको फिर पिंक से करेंगे। अब देखे दो हम यहाँ पर पिंक बनाएंगे, एक पिंक बनाया और फिर से नेक्स्ट को पिंक बनाएंगे, कंप्लीट इसको फिर से हम वाइट से करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर दो वाइट बनाएंगे, एक बनाया और फिर नेक्स्ट में वाइट बनाया, कंप्लीट इसको फिर से हम पिंक से करेंगे। इस तरह से
देखिए इस तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से थर्ड चैन में जाकर हम यहाँ से ये पिंक कलर को अटैच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए हमारा लास्ट राउंड रह गया है स्वास्तिक का। अब देखिए जो हमारा ये वाला है यहाँ से ये इधर को जाएगा यहाँ तक, और जो ये वाला है ये सीधा जाएगा। अभी मैं बनाकर बताती हूँ। यहाँ से देखिए एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। नेक्स्ट के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया हो गए। थर्ड के ऊपर ये, फोर्थ के ऊपर देखिए चार डबल क्रोशिया के ऊपर हमने चार बना लिए। अब दो डबल क्रोशिया हमारे ये हैं पिंक से, दो इनके ऊपर बना लेते हैं। तो टोटल यहाँ छः हम पिंक से बनाएंगे। देखिए छठे वाले को कंप्लीट हम वाइट से करेंगे। धागे को साथ में रखना है इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट में दो हमारे ये वाइट हैं तो दो के ऊपर हम दो वाइट बनाएंगे, एक और सेकंड के ऊपर भी इस तरह से, और कंप्लीट इसको फिर से हम पिंक से करेंगे और पिंक के ऊपर पिंक बनाएंगे। एक पिंक बनाया, फिर दूसरे के ऊपर इस तरह से पिंक, इसको कंप्लीट हम फिर वाइट से करेंगे इस तरह से। अब देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पर हमने एक दो तीन चार पाँच देखिए नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर आठ आठ डबल क्रोशिया है। यहाँ ये नाइन डबल क्रोशिया हमने एक में बना दिए शायद यहाँ पर, चलो इसका तो कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए चार डबल क्रोशिया वाइट के बनाएंगे, उसके बाद हम ये पांच ये वाले पिंक बनाएंगे और दो ये इस तरह से। मैं आगे बनाकर बता देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से फर्स्ट के ऊपर बनाया हमने, एक वाइट बनाया, फिर नेक्स्ट के ऊपर वाइट दो, थर्ड के ऊपर तीन, और ये फोर्थ के ऊपर बना दिया। अब देखिए कंप्लीट हम फिर इसको पिंक से करेंगे। अब देखिए पिंक के हम एक बनाया, नेक्स्ट के ऊपर दो, तीन, चार, ये हमने देखी, इसी में हमने वाइट वाले में बना दिया था, नेक्स्ट में बनाना है इसमें बनेगा। एक फिर नेक्स्ट में बनाया दो, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे तीन, चार, पाँच, और दो ये पिंक हैं, दो के ऊपर दो पिंक बनाएंगे। यहाँ हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ रहा है, ये शायद मैंने नीचे एक में दो बना दिए थे गलती से, चलो ये एडजस्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इसको कंप्लीट हम दो हमारे ये पिंक हैं तो यहाँ तक हमें बनाना है और कंप्लीट इसको वाइट से करना है इस तरह से, फिर वाइट के ऊपर दो वाइट बनाएंगे। देखिए एक बनाया और फिर दूसरे वाले को हम इस तरह से बनाएंगे, दो लूप रह जाएंगे तो कंप्लीट फिर पिंक से करेंगे। अब दो पिंक के ऊपर दो पिंक बनाएंगे, कंप्लीट फिर वाइट से करेंगे इस तरह से। देखिए अब हमारे पास एक दो तीन चार, और सभी में हमारे पास यहाँ पर आठ आठ डबल क्रोशिया है। यहाँ पर मेरे पास नौ बन गए थे शायद, एक में मैंने दो बना दिए थे। तो आपको क्या करना है कि चार के ऊपर चार हम वाइट बनाएंगे, फिर चार हम पिंक, ये चार
पिंक ये और दो ये, तो टोटल छः डबल क्रोसिया हम यहाँ पर पिंक के बनाएंगे। फिर दो वाइट, दो ये, देखिए हमारा ये स्वास्तिक इस तरह से कंप्लीट हो गया है। मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और देखिए हमारे ये स्वास्तिक कितने बनकर अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए अब हमें एक राउंड वाइट कलर से लगाना है। और देखिए हमें लग रहा है कि हमने वो नहीं बढ़ाए थे, डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाए दो तीन राउंड से, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हमें खिंचाव नज़र आ रहा है, अब देखिए इसको हम कैसे ठीक करेंगे। देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे, अब इसको साथ में नहीं लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पर सेम प्लेस पर ये दो डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में गए एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक, दो में एक बना लिया, तीसरे में भी एक बार बनाएंगे, अब फोर्थ में हम दो बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से फोर्थ में हम एक जगह पर दो बार बनाएंगे, तो हमारे घेरे में जो भी थोड़ा बहुत खिंचाव है तो वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से दो जगह बनाया, फिर से हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार बनाएंगे और थर्ड में भी एक बार बनाएंगे और फोर्थ में हम सेम प्लेस पर दो बार बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका घेरा ठीक है तो आप पाँच छः के बाद भी बढ़ा सकते हैं, या आप जितने मर्जी आप घेरे में देखकर, आप किसी का हाथ टाइट चलता है किसी का ढीला, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ा सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा खिंचाव ये दूर हो गया है। इसी तरह से मैं हर थर्ड के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा खिंचाव इसमें नज़र आ रहा है। देखिए एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बार, उससे नेक्स्ट में भी एक बार, तीन में एक एक बार बनाया, तो फोर्थ में मैं यहाँ पर दो बार बनाऊँगी सेम प्लेस पर। एक बार बनाया और फिर से यहीं पर एक बार, आप दो के बाद भी बना सकते हैं, तीन के, चार के, जितना आप को ठीक लगे कि आपके घेरे में जितना खिंचाव है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा जगह से घटा बढ़ा सकते हैं। ये हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का हाथ ढीला चलता है और किसी का टाइट। इस तरह से देखें फोर्थ में मैंने यहाँ पर दो बना दिए, और इसी तरह से बनाते हुए मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे जो लास्ट मैं पिंक कलर से बॉर्डर बनाऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और देखिए हमारा जो भी खिंचाव था वो इस घेरे में यहाँ पर जो मैंने फोर्थ में दो डबल क्रोशिया बनाए हैं उससे बिल्कुल प्लेन हो गया है, कोई भी खिंचाव इसमें नहीं रहा है। देखिए हर फोर्थ के बाद मैंने यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, तीन में मैंने एक एक बार और फोर्थ में दो बार। देखिए सारे राउंड में मैंने ऐसे ही बनाया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कैसा चलता है। उसके बाद अब देखिए लास्ट राउंड हम देखिए थर्ड में जाएंगे, थर्ड चैन के अंदर, और यहाँ से हम पिंक कलर का धागा पिक करेंगे इस तरह से, और इसको टाइट कर देंगे, और इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। आप चाहें तो, आपको इससे बड़ा घेरा चाहिए तो आप एक राउंड और यहाँ पर वाइट से लगा सकते हैं। अब देखिए जॉइंट करने के बाद एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, और यहीं पर हम देखिए एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, और फिर से बनाया यहीं पर तीन डबल क्रोशिया इस तरह से। तीन बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया, अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार लपेटेंगे धागे के ऊपर इस तरह से, क्रोशिया के ऊपर हमने दो बार धागा लपेटा, और जो ये वाइट कलर का धागा है इसको हम साथ में लेकर चलेंगे, ये अंदर की तरफ ही हमारा हाइट हो जाएगा। अब देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है तो इस तरह से लूप लेंगे, दो स्टिच निकालेंगे पहले,
फिर से दो निकाल लेंगे और फिर से दो, तीन बारी में हमारे ये दो दो स्टिच निकलेंगे। अब इस तरह से लूप लेंगे, एक दो, दो चैन हम स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाएंगे, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बनाया, दो डबल क्रोशिया और फिर से बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने तीन डबल क्रोशिया बना लिए। फिर तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो बार हम क्रोशिया हुक पे धागा लपेटेंगे और यहीं पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से चार स्टिच हो गए, दो निकाले, फिर से देखिए दोबारा से देखें, दो निकाले, फिर से दो निकाल लेंगे और लास्ट में दो रह गए तो दो को एक साथ इस तरह से। ये स्टिच हमारा थोड़ा सा लंबा बनेगा और फिर से इस तरह से धागा लपेटेंगे और नीचे से हम एक दो, दो चैन हम स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बनता चला जाएगा और इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बॉर्डर बनाकर तैयार कर दिया है और देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है और देखिए देखिए कितनी प्यारी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। ये आप 4, 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए इतना ही घेरा आप बना सकते हैं। अगर एक दो राउंड आपको लगाना है तो आप इसके बाद वाइट के एक और राउंड लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।